कोरोना ने सारी लाइफ चेंज करती है, चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ है, चाहे थोड़ी सोशल लाइफ है, या थोड़ा जिदिया कोई पैटर्न है वो सेम नहीं रहा। जिस एक बड़ी साला तो स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोग्राम सी कि बच्चे स्कूल जाते सी, पढ़ते सी, वापस आते सी, तो वो बिल्कुल सडन चेंज आ गया। बच्चा लगा ही पता नहीं की हो गया भी, असं स्कूल ही नहीं जा सकते। हूँ जो आदमी एक चीज नूं लिमिट कर दे ना भी तू ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो उसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स आते हैं। हूँ यह होया कि बच्चे ने स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन करने लई मेंटल कंसंट्रेशन चाहिए, सानू आदत नहीं। बहुत केसेस ने खास करके बच्चे ने करने, हसबैंड वाइफ भी इरिटेबल हो गए ने। जो हसबैंड है वो बेरी तौर पर तुक्का मार के कितना कितने बाहर निकल जाता, तो वाइफ तो निकल नहीं सकती। सो हसबैंड वाइफ के रिलेशन च बिगड़ना शुरू हो गया, बच्चों का रिलेशन बिगड़ना शुरू हो गया कि बच्चे जिद करते हैं असं जाना है तो वो नहीं जा देंगे। एज ए रिजल्ट सारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। मेरा नाम सक्षम है, प्लस वन हॉर्टीकल्चर क्लास है मेरी। अच्छा हुण स्कूल जड़े है दोबारा खुले ने, किद्दां दा माहौल जड़ा लग रिहा? माहौल जी बहुत वधिया वा, घरे हुण घरे रहण दा मन तां करदा नहीं सीगा जी, तां सब बोर ही हो रहे सीगे, हुण स्कूल आ रहे हैं वधिया लग रहा, नाले पढ़ाई भी हो रही है। मैं केड़े स्कूल? प्लस वन हॉर्टीकल्चर आ, मेरा शुभम नाम हैगा। PAO स्कूल पढ़ते यूनिवर्सिटी। अच्छा हुण किद्दां दा माहौल लग रहा है, क्योंकि पहला स्कूल बंद सी उदों किद्दां दा माहौल सी, हुण किद्दां? हुण वधिया लग रहा, घरे रह के बोर हो रहे सी, दिमाग भी थोड़ा खराब हो रहा सीगा, हुण वधिया लगदा स्कूल आके, बड़े दिनां बाद अच्छा भी लग रहा, ते नाल फ्रेंड नाल मिलके भी अच्छा लग रहा, ते स्कूल च थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग करके तो अच्छा लग रहा। बिल्कुल सर, जिहड़े लॉकडाउन दे कारण जिहड़े स्कूल बंद हो गए सी, जिहड़ी ऑनलाइन क्लासां मतलब कि जिहड़े बच्चे अटेंड कर रहे सीगे, पर उहदा बहुत माड़ा असर पिया, क्योंकि जिहड़े कि इक बच्चे जिहड़े स्कूल दे विच जांदे सीगे अपने, जिहड़े कि अपने उहनां डाउट शेयर कर सकदे सी अपने टीचर दे नाल, जां अपने आस पास दे जिहड़े स्टूडेंट सीगे उहनां नाल करदे सी, पर हुण उह नहीं कर पांदे। उहनां नूं इक फोन ते डिपेंड होना पै गया, चाहे उह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅਡਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਿਜਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਚ ਅਪ ਹੋ ਗਏ।